साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा, लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। श्री अकाल, करोड़ों वैक्सीन डोज हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्सीनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन से हुआ है। इसी कालखंड में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर के उभरे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद, ये बढ़ती हुई साख, इससे सबसे ज्यादा किसी का सर ऊंचा होता है तो वो हमारे डायस्पोरा का है। क्योंकि जब देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है, उनके प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है। इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागीदारियां भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। हमारे भारतीय डायस्पोरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूत मानता रहा हूं। सरकार जो भेजती है वो तो राजदूत है, लेकिन आप जो है राष्ट्रदूत है। आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज है, बुलंद पहचान है। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सीना चौड़ा होता है, आपका भी सिर गर्व से ऊंचा होता है। परदेश में रहते हुए आप अपने देश की भी चिंता करते हैं, इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सफलता को आगे बढ़ाने में, भारत की छवि को और मजबूत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।